आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी के लाल टेन के 571वें एपिसोड में आपका एक बार फिर स्वागत है। अभी तक हमने आपको सिवनी, बरघाट और केवलारी तीन विधानसभा सीटों का इतिहास बताया है। अब हम आपको आज 571वें एपिसोड में बताने जा रहे हैं लक्षणातौन विधानसभा का इतिहास। दरअसल सिवनी में सिवनी संसदीय क्षेत्र हुआ करता था, विलोपित हो गया परिसीमन और पुनरारक्षण में। इसके उपरांत सिवनी में 5 विधानसभा सीटें हुआ करती थी, 5 में से घनसौर विधानसभा सीट विलोपित हो गई। अब सिवनी, बरघाट, केवलारी, लखनादौन 4 विधानसभा सीटें यहां बची हुई। इन 4 विधानसभा सीटों में से सिवनी और लखनादौन, बरघाट तीन का हम सिवनी, बरघाट, केवलारी तीन विधानसभा सीटों का हम आपको लेखा जोखा बता चुके हैं आज़ादी से आज तक। अब हम आपको आज बताने जा रहे हैं, हम आपको पहले बता दें कि हम यहाँ खड़े हुए हैं, इस तरफ बाहुबली चौराहा है और इस तरफ एसपी बंगला और साकार हाइट्स हमारे पीछे। यहाँ से अब हम आपको ये नज़ारा जो दिख रहा है, साकार हाइट्स के करीब का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। अब लखनादौन विधानसभा सीट की क्या स्थिति है, लेखा जोखा क्या है, ये हम आपको बताते हैं। उसके पहले हम आपको बता दें कि लखनादौन में 2 विधायकों का उल्लेख शुरुआत में मिलता है, बसंतराव उइके और दुर्गा शंकर मेहता। 1951 लोकसभा विधानसभा क्षेत्र लखनादौन 90 हुआ करता था। दुर्गा शंकर मेहता यहाँ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे। आपको हम बता दें कि 13 चुनाव हुए हैं विधानसभा के, दिन 13 चुनावों में 2 बार भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया, बाकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पाले में लखनादौन सीट रही। अर्थात लखनादौन विधानसभा सीट का मिजाज कांग्रेस के प्रति समर्पित रहा है। 1951 में विधानसभा सीट 90 दुर्गा शंकर मेहता कांग्रेस के, 1957 में विधानसभा सीट 120 और 120 में वसंतराव उइके यहाँ से विधायक थे कांग्रेस के। 1962 में 191 नंबर हो गई थी, फिर वसंतराव उइके कांग्रेस के यहाँ चुने गए। 1967 में 195 हुई और यहाँ से वसंतराव उइके एक बार फिर चुने गए। इसके बाद 1972 में 195 विधानसभा सीट रही और वसंतराव उइके यहाँ से विधायक बने कांग्रेस से। 1977 में 209 विधानसभा सीट हुई और यहाँ सत्येंद्र सिंह ठाकुर यहाँ से विधायक बने। 1980 में 209 विधानसभा सीट क्रमांक रहा और सत्येंद्र सिंह ठाकुर यहाँ पर चुने गए। 1985 में एक बार फिर सत्येंद्र सिंह ठाकुर यहाँ से चुने गए और 1985 में सत्येंद्र सिंह ठाकुर और 1990 में विधानसभा सीट 209 और रणधीर सिंह यहाँ पर चुने गए। सत्येंद्र सिंह के पुत्र रणधीर सिंह यहाँ से चुने गए और उसके बाद 1993 में रणधीर सिंह एक बार फिर चुने गए। 1998 में रणधीर सिंह एक बार फिर चुने गए, अर्थात 3 बार सत्येंद्र सिंह, 3 बार रणधीर सिंह, 6 बार एक ही परिवार के कब्जे में ये विधानसभा सीट रही है। इसके बाद 2003 में जब चुनाव हुए, देखिए आपको एक बात और बता दें, 1990 में जब पूरा जिला परिवर्तन के उसमें चला गया था, कांग्रेस के हाथों से सारी सीट्स फिसल रही थी, पर उस सब के बाद भी लखनादौन सीट 1990 में भी कांग्रेस के पास रही, 93 में भी कांग्रेस पास रही, 98 में भी कांग्रेस के पास रही। 2003 में ये सीट कांग्रेस के हाथ से फिसली और भारतीय जनता पार्टी की शशि ठाकुर यहाँ से विजयी घोषित हुई। 2008 में शशि ठाकुर एक बार फिर से विजयी घोषित हुई, 2 बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की विधायक रहीं और 2013 में जब चुनाव हुए, 2013 के चुनाव में योगेंद्र सिंह और 2018 के चुनाव में भी योगेंद्र सिंह यहाँ से विधायक चुने गए। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लखनादौन विधानसभा सीट कांग्रेस के कब्जे वाली सीट रही है। आदिवासी बाहुल्य सीट लखनादौन मानी जाती है। 2 बार भारतीय जनता पार्टी की शशि ठाकुर यहां से चुनाव जीती है। बाकी पूरे जिले में 1990 के बाद हर जगह 1990 में सिवनी विधानसभा सीट, बरघाट, लखनादौन, बरघाट और केवलारी हर जगह जो है 1990 में भाजपा का परचम लहराया था।
1990 में ठाकुर हरबंस सिंह सिवनी से चुनाव लड़े थे और महेश प्रसाद शुक्ला ने उन्हें पराजित किया था। 1990 में ऐसा क्या हुआ, ये कांग्रेस को सोचने की बहुत ज़रूरत है कि लखनादौन को छोड़कर बाकी सारी विधानसभा सीट कांग्रेस के हाथ से चली गई। सिवनी विधानसभा सीट 1990 से 2000-2020 33 सालों से कांग्रेस के पास नहीं है जिला मुख्यालय वाली सीट, जबकि जिला मुख्यालय में कांग्रेस की जिला इकाई भी है, कांग्रेस की नगर इकाई भी है, मंडल विकास खंड के पर ब्लॉक इकाइयाँ भी है, उस सब के बाद भी सिवनी में कांग्रेस का परचम नहीं रह रहा है। सबसे आश्चर्य इस बात पर होता है कि निर्दलीय दिनेश राय के द्वारा चुनाव जीता जाता है और कांग्रेस के प्रसन्न चंद मालू जो कांग्रेस के विधायक विधानसभा चुनाव लड़े थे उनकी जमानत जब्त हो जाती है। कितनी गंभीर बात। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के विधायक सर्वे कर रहे हैं, वे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात के कुछ विधायकों को मध्य प्रदेश भेजा गया है। सिवनी में महाराष्ट्र के विधायक आए हुए हैं, वे जमीनी स्तर पर सर्वे कर रहे हैं। उनके सर्वे में क्या निकल कर आता है तो बात की बात है। चार विधानसभा सीटों के बारे में हमने आपको पूरा आज़ादी से लेकर अभी तक का पूरा लेखा जोखा आपके सामने रखा। अब हमारी कोशिश होगी कि हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं से यहाँ विजय पराजय, पराजित क्यों होती है कांग्रेस, लखनादौन में भारतीय जनता पार्टी क्यों पराजित होती है, कांग्रेस क्यों केवलारी में पराजित हुई, भारतीय जनता पार्टी भरघाट में क्यों पराजित हुई, सिवनी में लगातार कांग्रेस क्यों पराजित हो रही है, निर्दलीय के हाथों पराजित हो रही है, इस बारे में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भविष्य में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल मौसम बहुत सुहाना लग रहा है और यहाँ से अगर आप यहाँ तक देखेंगे, पूरा इधर से आप अगर उस तरफ तक पूरा देखिए, कितना सुंदर हरियाली यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये सारी की सारी हरियाली आपको यहाँ से वहाँ तक दिखाई दे रही होगी। लोक निर्माण विभाग का PWD का यहाँ पर ऑफिस है और PWD के कॉलोनी भी यहाँ पर है। ऐसा कहा जा रहा है कि कॉलोनी भी बेचने का ताना बाना बुना जा रहा है। जिस तरह अभी काफ़ी सारे बंगले जबलपुर रोड के, बस स्टैंड के जो सरकारी संपत्तियां हैं बिक चुकी हैं, वारापत्र की कुछ संपत्तियां भी बिक चुकी हैं। इस मामले में कांग्रेस मौन है, इस मामले में भाजपा मौन है, इस मामले में सारे लोग मौन हैं। पुनर्गणत्वीकरण के हिसाब से अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इसे उचित माना जाएगा या नहीं, ये सोचना आप सभी का काम है। बहरहाल फिलहाल हम यहाँ खड़े हुए हैं, पीछे साकार हाइट्स आपको दिख रही होगी और कितना सुंदर नज़ारा, अगर आप थोड़ा ऊपर से देखेंगे यहाँ पर तो कितना सुंदर आपको नज़ारा यहाँ पर दिखेगा। वाकई एक बहुत अच्छा दृश्य ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप सिवनी नहीं किसी और जिले के किसी और शहर में घूम रहे हों। यहाँ पर आपको इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलता है। चारों विधानसभा सीटों के बारे में आज़ादी से अब तक का लेखा जोखा हमने दिया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 571वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन अगर आप देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। सुबह 7 बजे रोजाना इसका प्रसारण होता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 572वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।